और मंगल आइलैंड में उसका प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस सॉक हाल ही में रिलीज हुआ है, ठीक है, ये सितंबर में आया था, आप देख सकते हैं 7 सितंबर को आया था, देन उसको कंसोलिडेट करा था, आज इसने एक ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने का रीज़न क्या है ये तो किसी को नहीं पता है भाई, ये ऑपरेट का काम है, हम लोग रिटेलर लोगों को सोल्लू बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा थ्रू टेक्निकल्स, ओके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माई चैनल सुपर टॉक्स एंड आई एम गोइंग टू लर्न यू अबाउट टेक्निकल्स, ठीक है। इसमें देखिए एक चैनल पेंडिंग के थ्रू, चैनल पेंडिंग का मतलब क्या होता है, चैनल पेंडिंग ऑलवेज एक रेंज में रहता है, ठीक है, ये लो लगा हाई लगा एक रेंज के अंदर था, ठीक है। सडनली इसने एक ब्रेकआउट दिया, ऑब्वियसली बात है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट तो कोई अंदर का न्यूज़ ही होगा, जो ऑपरेटर लोग या फिर कोई बड़ा गेम खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था, यहाँ पे सस्टेन किया एंड फिर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो इसे प्रॉपर ब्रेकआउट हम लोग कह सकते हैं, फिर भी ये हम जो लगता है कि कल ये रैली दे सकता है या नहीं भी दे सकता, तो मैं सजेशन यही करूँगा कभी ऐसे बाई मत कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो ऊपर के लिए आपको कोई लेवल्स नहीं है कि ये कितना तक जाएगा, ठीक है। और ये स्टॉक का प्राइस भी हाई है, अराउंड 1800 के करीब, 1900 के करीब, ओके। सो मैं यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा ये सस्टेन करे, नीचे आए, देन आप इसमें बाई कीजिए। ये जो बाई होता है ना, ये क्या होता है कि जैसे सितंबर पे स्टॉक आया मार्केट में, ठीक है, तो ये में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये होता है कि प्रोमोटर्स लोग क्या करते हैं कि अपना कुछ शेयर म्यूचुअल फंड का हो या फिर कोई बड़ा FII या DIS को जाकर बेचता है, ठीक है, ताकि आप लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करिए तो मेरा स्टॉक भागेगा। सो यही इसका रीज़न होता है कि ये भागने का कारण होता है। ये जो आज जो हाइक हुआ ना, ये कोई बड़ा डील हुआ कंपनी में जो किसी FII या DIS के थ्रू, सो दैट्स वाई ये इतना अच्छा रैली किया है। तो या फिर कोई प्रोमोटर का हाथ भी इस पर पड़ सकता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कभी यहाँ पर बाई मत कीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, इसे प्रूव करने दीजिए। प्रूव कैसे होगा, ये अगर चैनल पैटर्न को, ये चैनल पैटर्न अगर है तो इसको ये रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब इसको रिटेस्ट करने आएगा तब एक छोटा सा बाइक लेके नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप ऊपर का टारगेट रख सकते हो। फिर भी इसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब होगा, 1:1 का होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इसमें बाई कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तो स्टॉप लॉस करीब यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठा, तो थोड़ा नीचे डिप मारेगा, देन आप बाई कीजिए। बट मैं सजेशन नहीं करूँगा आप ऐसे ही अंधाधुन बाई कर लीजिए और अपना पैसा फंसाइए, ठीक है। बिकॉज देखिए जो यहाँ पे बाई किया उसका पैसा फंसा, ठीक है। आज ये ब्रेकआउट दिया है बट इसमें कुछ ना कुछ तो न्यूज़ है, तो 1-2 दिन इसको ऑब्जर्व कीजिए, देन इसमें ट्रेड कीजिए, ऐसे अंधाधुन पैसे इसमें मत लगाइए, यही मेरा सजेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉय, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो एक एडुकेशन पर्पज़ का है, सो डोंट टेक इट पर्सनल टेक, ओके, मेरा ये सजेशन है। थैंक्स।